इसराइल ने फिर दिखाया दम। क्या सीरिया में रूसी वायुसेना के बनाए अड्डे को उड़ा दिया? इसराइल ने झोंकी अपनी ताकत, क्या सीरिया अब बच पाएगा? इसराइल ने अचानक बोला हमला, क्या दुनिया पर आएगी नई आफत? इसराइल एक ऐसा देश जो शुमार है दुनिया के ताकतवर देशों में, जो भारत के लिए जान छिड़कने से कभी पीछे नहीं हटता, जिसके पास है दुनिया की सबसे तेज सैन्य टेक्नोलॉजी, जो निडर खड़ा है दुश्मन देशों के बीच। आज इसराइल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, दरअसल ये खबर है इसराइल सीरिया को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि सीरिया के होम शहर के नजदीक स्थित शायरत वायुसेना अड्डे पर इसराइल ने मिसाइल हमला कर दिया। इस हमले में सीरिया के 2 वायु सैनिक मारे गए और 3 घायल बताए जा रहे हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार इस वायुसेना अड्डे का हाल ही में ईरान की वायुसेना ने इस्तेमाल किया था। वैसे इस वायुसेना अड्डे का विकास रूसी वायुसेना ने किया है। दरअसल सीरिया ने इसराइल पर आरोप लगाया है और इसे उसका आक्रमण बताया है, और बयान देते हुए कहा है कि इस आक्रमण का उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। इसराइल का मिसाइल हमला होते ही सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और उसने कई इजरायली मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन एक मिसाइल हवाई अड्डे पर हमले में कामयाब रही। इजरायली युद्धक विमानों ने पड़ोसी देश लेबनान के ऊपर से जो उड़ान भरने के बाद मिसाइलें दागी थी, कुछ मिसाइलों को उनके निशाने पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। तो वहीं जब बात इसराइल पर आई तो इसराइल ने बेधड़क होकर स्वीकार किया कि वो लेबनान के हिजबुल्ला जैसे ईरान सहयोगी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाता है, जिसने सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की सेना का समर्थन करने के लिए हजारों लड़ाकों को भेजा है। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह के टकराव की घटना सामने आई है। जब दोनों देशों के बीच टकराव की खबर सामने आई है, इससे पहले इसी साल के शुरुआत में इस तरह की सबसे घातक हमले में 27 अप्रैल को मध्य सीरिया में इसराइल द्वारा हवाई हमले में 6 सैनिक सहित 10 लड़ाके मारे गए थे। और जो रिपोर्ट बताई जा रही है उससे साफ है कि इजरायली सेना सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर लगातार हमले करते रहते हैं। इसराइल अपने कट्टर दुश्मन ईरान को अपने दरवाजे पर पैर जमाने से रोकने के लिए इन हमलों को जरूरी बताया। चलिए अब जानते हैं क्यों इसराइल ने मिसाइल दागी। तो इसके पीछे की वजह है लेबनान के शिया आतंकी समूह हिजबुल्ला सहित तेहरान समर्थित बलों, जिन्होंने 2011 में छिड़े सीरियाई गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के लिए तैनाती के बाद से सीरिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करता, और इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में अपनी अलग छवि बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक की।